गोहना के लिए एक वरदान, ऐसी डेडिकेटेड टीचर, प्रिंसिपल, अभिभावक, मतलब के जो बच्चों को चाहिए शिक्षा के लिए, वो सारे गुण मैडम के अंदर हैं। और आज हमारे विद्यालय में बड़ा सौभाग्य है हमारा कि 20 दिसंबर वर्ष का अंतिम कार्य दिवस हमारे मध्य आए हैं, और वो भी बच्चों के लिए सौगात लेके आए हैं, छोटे बच्चों को जबरदस्ती देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं कीमत को जानते हुए मैं मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने वक्तव्य से हम सबको बच्चों का मार्गदर्शन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन के इस राह में जो शिक्षा की राह है उसमें अग्रसर होते हुए मैंने आपके मुख्य अध्यापक श्री सुशील बंसल जी से भी बहुत कुछ सीखा है। उनसे सौम्यता सीखी है, उनसे सौहार्द सीखा है, उनसे सीखा है कि कैसे हर वक्त खुद लर्निंग करते रहना है, क्योंकि एक ट्रू टीचर वही होता है जो खुद हमेशा शिक्षा के मार्ग की ओर अग्रसर होता है और जिसमें किसी से भी सीखने में कभी भी झिझक महसूस नहीं की है। और सुशील बंसल जी के बारे में अब मैं कहना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा, और यहाँ आते ही जैसे ही मैंने दीवारों को देखा, दीवारों में से जो सुगंध आई उससे ये महसूस हुआ कि कोई बहुत इंटेलेक्ट पर्सनालिटी, और वो इंटेलेक्ट होने के साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि वास्तव में बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ कैसे काम करना है ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, जिज्ञासा बनी रहे और वो सेल्फ लर्नर बन सके। और वो आपके विद्यालय की दीवारें बोलती हैं, किस तरह से आपकी दीवारें आपके विद्यालय की दीवारों को सुसज्जित नहीं बल्कि सुसज्जित होने के साथ साथ वो शिक्षा अपने आप में शिक्षा प्रदान करती हैं, दीवारें बोलती हैं। कोई भी विषय ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे ये दीवारें अछूती हों। और फिर इसके साथ साथ ये पाया कि कैसे आपका पूरा विद्यालय एनर्जी से भरपूर है। नर्सरी क्लास के बच्चों से मिली, नर्सरी क्लास के हेड टीचर से मिली, बाकी टीचर से मिली, और वो छोटी क्लास से ही, छोटे बच्चों से ही पता चल जाता है कि विद्यालय किस दिशा की ओर अग्रसर है, किस तरह से उन्होंने इतने एनर्जेटिक रूप से नमस्ते किया, जय हिंद किया, जय श्री राम बोला। सो बैलेंस्ड एंड एनर्जेटिक योर स्कूल इज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंसर्न ऑफ लर्निंग एंड माय वर्ड्स, इससे मैं अपने वर्ड्स जो कहूँगी, दो तीन बातें जो आपके साथ शेयर करूँगी, उससे पहले ये जरूर कहूँगी कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप में से कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट स्कूल में होते तो हम इससे बहुत बेहतर सीख सकते थे और हमें मौका कम मिला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ आने के चंद मिनटों के अंदर ही मैंने जो महसूस किया, जो देखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही वो ये रही कि आप बिल्कुल ठीक विद्यालय में और बहुत अच्छे विद्यालय में बहुत अच्छे टीचर्स के संसर्ग में हो, और आप अपने टीचर्स के लिए, आप अपने मुख्य अध्यापक जी के लिए, आप अपने हेड टीचर के लिए, प्राइमरी विंग के हेड टीचर के लिए आपको एक बार तहे दिल से शुक्रिया अपनी क्लैपिंग के द्वारा करना चाहूँ। And now, Vijay, if I talk to you, then I am also a student as I speak. मैं थोड़ा सा प्रौढ़ बच्चा हूँ, ठीक है, जो प्रौढ़ शिक्षा ले रहा है, और आप अभी छोटे बच्चे हैं। आपको दो तीन बातें मेरा मन था मैं भी शेयर करूँ, हालांकि समय की कमी थी। कि पंसल सर ने कहा कि नहीं, आप आए हैं तो जरूर बच्चों से मिलकर जाइए, और मुझे खुद भी बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उन बातों में जो बात है वो आपके लक्ष्य की है।
और उस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी प्रक्रिया क्या रहे और उस प्रक्रिया के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बोलने का जो तरीका है, जो एलोक्वेंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपने मन के भावों को। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि एलोक्वेंस इज द मदर ऑफ ऑल अदर स्किल्स। वाक्पटुता, जो बोलना है, बोलने की कला, when, where, how, what also matters। हमने क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आपके अंदर कितनी भी ऊर्जा है, कितना भी ज्ञान है, अगर आप सही समय पर आप उसका प्रयोग नहीं कर पाए तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। इसीलिए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना सीखो। आप आजकल के बच्चे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में पैदा हुए हो, जब टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी से आप भरपूर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और इसके साथ साथ एथिक्स के लिए, वैल्यूज के लिए आप हमेशा अपने टीचर्स के संसर्ग में हो, जो आपको बताते हैं ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है। 18 साल तक बच्चे, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा इतना कहना जरूर माने कि हम उन्हें पॉलिश कर सकें, हम उन्हें निखार सकें, हम उन्हें ठीक और गलत बता सकें। तो अपने गुरुओं का कहना माना करो, क्योंकि गुरु अगर कभी गुस्सा भी करते हैं तो उनका गुस्सा, उस गुस्से के पीछे जो भावना होती है, वो भावना आपको बनाने की, आपको संवारने की भावना होती है। इसीलिए अपने गुरुओं की किसी बात का, किसी गुस्से का कभी भी बुरा मत मानना और उनसे सीखने का प्रयत्न करना हमेशा। एलोक्वेंस पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज की बहुत रिस्पेक्ट करो, बहुत रिस्पेक्ट करो, लेकिन क्योंकि हम वसुधा को कुटुंब बनाने की ओर पढ़ रहे हैं, पूरी वसुधा को हमने एक परिवार की तरह संजोना है, मतलब पूरा वर्ल्ड कंसाइज हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में अगर आपने अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपनी भाषा पर पकड़ भी बनानी होगी। उसमें हरियाणवी तो सीखो ही सीखो, क्योंकि आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है। इसके साथ हिंदी, इंग्लिश या अन्य भी जितनी भाषाएं सीख सकते हो, भाषाओं पर अपनी कमांड बनाओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आपको हेल्प कर सकती है। इसके बाद अपने जीवन का एक ध्येय, कोई ना कोई सपना जरूर आता होगा, उस सपने को अपना ध्येय बना लो कि ये मेरा लक्ष्य है, और एक बार अगर सोच लोगे तो उसे पाना धीरे 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 हर रोज प्रयत्न करके पाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ विद्यालय में जमीन पर बैठकर लगता है कि आसमान बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में नहीं है। आप एक बार अपना निर्णय कर लोगे और उस निर्णय के अनुसार हर रोज मेहनत करोगे, हर रोज सपने देखने में और सपनों को पूरा करने में बीच में केवल मेहनत आती है। उस मेहनत को अगर आप उसको पकड़ लोगे तो देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी अचीव। वंस यू डिसाइड वट यू वॉन्ट टू राइट इन योर डेस्टिनी, वंस यू डिसाइड वट यू वॉन्ट टू राइट इन योर डेस्टिनी एंड द होल वर्ल्ड, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी एटम ऑफ दिस यूनिवर्स कंस्पायर टू मीट यू विथ योर डेस्टिनी। सब एटम्स बात करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ कि उसको ये चाहिए, और हमें पूरी कायनात को, विश्व के जर्रे जर्रे को, सबको आपकी फिक्र है, इस प्रकृति को आपकी फिक्र है, और वो आपको आपके सौभाग्य से मिलवाने के लिए आतुर है, और आप निश्चित रूप से अपना सौभाग्य प्राप्त कर लोगे। लेकिन वो सौभाग्य होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है, ठीक दिशा में आगे बढ़ना है। फिर हर रोज मेहनत करनी है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करनी है, हर रोज, हर रोज, हर रोज, बिना थके, बिना रोके।
ऐसा नहीं एक दिन 9 घंटे और एक दिन 0, नहीं, हर रोज मेहनत करनी है, संतुलित तरीके से करनी है। दूसरी बात, आपने जो अपने व्यक्तित्व में जोड़नी है वो आपने अपने काइनेस्थेटिक कैरेक्टर को, एक तो एकेडमिक कैरेक्टर है, एकेडमिक कैरेक्टर जिसमें हर रोज पढ़ना है, दूसरा काइनेस्थेटिक कैरेक्टर की फिजिकल मेहनत भी करनी है। 1 घंटा आपने फिजिकल एक्टिविटी को दिया करो, 1 घंटा आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, उसमें रस्सा कूदना हो सकता है, उसमें कोई योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकते हैं, दोस्तों के साथ खेलना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे डोपामाइन सीक्रेशन होता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, आपकी एकेडमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होता है खेलना। और तीसरी बात, अपना कैरेक्टर, कैरेक्टर एथिकल, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज, अपनी वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ का पता कैसे चलता है, हमारे अंदर एक सोल है, आत्मा है, और वो आत्मा हमें बता देती है, जैसे ही हम कोई छोटा सा भी गलत कदम की ओर बढ़ने लगते हैं तो फियर में और आत्मा में भी अंतर होता है, डर कर रुक जाना और आत्मा की आवाज़ से रुक जाना, दोनों के अंतर को पहचानना है, वो आपको मेडिटेशन करके पता चलेगा। डरना नहीं है, अगर सौभाग्य की तरफ बढ़ रहे हो, आपको पता है कि मेरा निर्णय ठीक है, तो बिना डरे, आत्मा कहती है आगे बढ़ो तो बढ़ो, आत्मा कहती है गलत है तो रुक जाओ। तो तीनों तरह के कैरेक्टर्स, तीनों तरह की बातें, जिसमें एकेडमिक है, काइनेस्थेटिक है और आपकी वैल्यूज है, आपके एथिक्स है, इन तीनों का निर्माण करो। इन तीनों के संयोग से धरती की कोई ताकत, सारी की सारी शक्तियाँ, कोई भी नेगेटिव फोर्स नहीं होगी जो तुम्हें रोकेगी, और सारी की सारी शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे एम से मिलवाने के लिए आगे बढ़ेंगी, सब आपका साथ देंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेना सीखो। और इसके साथ लास्ट में एक छोटी सी बात बोलती हूँ, जैसे